विश्व बंधुत्व और शांति के लिए एकमात्र बौद्ध धर्म ही ऐसा है, और बाबा साहब का जो विचार था, जो भारत बनाना था, वह भारत स्थापित केवल बौद्ध धर्म की स्थापना से ही किया जा सकता है। का मुख्य संदेश है शांति, सद्भावना, एकता, और बौद्ध विहार का निर्माण से हम लोग सहमत हैं। इसके लिए हम लोग एक आपस में बैठक ग्राम सभा का आयोजन करेंगे, उसमें सभी लोगों का विचार लिया जाएगा, उस हिसाब से हम लोग रोड मैप तैयार करेंगे, नक्शा तैयार करेंगे, उसके बाद निर्माण का कार्य शुरू करेंगे। काफ़ी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे ग्राम में ये बौद्ध विहार बनेगी। हम पहुँचे हैं सीतामढ़ी जिला के डुमरा प्रखंड अंतर्गत परवाहा पंचायत के परसौनी ग्राम में, जहाँ चल रही है बौद्ध विहार बनाने की बात। ये हमारे सामने है पंकज कुमार, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि जो बौद्ध विहार बनाने की बात चल रही है, ये बौद्ध विहार बनाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आपने बौद्ध विहार बनाने की जो यहाँ इसके लिए कमेटी गठित की गई है, तो ये सोच आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? और हमारे समाज की बातों को दूर तक फैलाएंगे, इसके लिए मिथिला दस्तक को हम सब ग्रामवासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बौद्ध विहार की प्रेरणा जब हम बाबा साहब को पढ़ते हैं और बुद्ध के विचारों को पढ़ते हैं, तो हमको लगता है कि विश्व में विश्व बंधुत्व और शांति के लिए एकमात्र बौद्ध धर्म ही ऐसा है जो सटीक है, और बाबा साहब का जो विचार था, जो भारत बनाना था, वह भारत स्थापित केवल बौद्ध धर्म की स्थापना से ही किया जा सकता है। इसलिए हम लोगों के भी बाबा साहब को पढ़ने के बाद हम ग्रामीणों को हम लोगों के बीच प्रेरणा आई कि यहाँ पे बौद्ध विहार बनाना चाहिए, ताकि बौद्धों की बौद्ध धर्म की जो संस्कार है गाँव के बच्चों में, लोगों में आ सके। पूरी दुनिया में समता, ममता, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध, जिन्होंने पूरी दुनिया में समता स्थापित करने के लिए संदेश दिया, आज परसौनी के युवा वर्गों ने बुद्ध के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है, और इसी क्रम में यहां बौद्ध विहार बनाने की स्थापना की बात चल रही है, उसके संचालन की बात चल रही है। और हमारे बीच उपस्थित हैं परवाहा पंचायत के मुख्यापति रघुनाथ कुमार जी, इनसे जानते हैं बौद्ध विहार जो बनाने की बात चल रही है, इसका रोड मैप क्या होगा, क्या क्या तैयारियां चल रही है इस संबंध में आप? बौद्ध विहार, बौद्ध धर्म जो है विश्व बौद्ध जो बौद्ध विश्व गुरु नाम से प्रख्यात है, उनका मुख्य संदेश है शांति, सद्भावना, एकता, और बौद्ध विहार का निर्माण से हम लोग सहमत हैं। ये निर्माण आप कैसे करेंगे? इसके लिए रोड मैप मतलब तैयार करना है, इसके लिए धनार्जन की जरूरत होगी, धन की जरूरत होगी, तो ये सब इसके लिए क्या प्लानिंग क्या है? इसके लिए हम लोग एक आपस में बैठक ग्राम सभा का आयोजन करेंगे, उसमें सभी लोगों का विचार लिया जाएगा, बौद्धिस्ट को बुलाया जाएगा, सबों का जो विचार होगा, जिस अति होगा, उस हिसाब से हम लोग रोड मैप तैयार करेंगे, नक्शा तैयार करेंगे, उसके बाद निर्माण का कार्य शुरू करेंगे। भारत में ये जो बुद्धिज्म की बात चली है, बौद्ध धर्म का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया, कालांतर में यह बौद्ध धर्म हीनयान और महानयान में बटा, इसमें तमाम तरह की कुरीतियाँ आई। 14 अक्टूबर 1956 को विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया। 5 लाख अनुयायियों के साथ उन्होंने नागपुर के दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म को अपनाया, और इसके बाद उन्होंने नव बौद्धवाद की स्थापना की, और नव बौद्धवाद के प्रवर्तक के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। और अभी जो बौद्ध बनने की जो बात चली है, तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रेरणा से और उनके ही कारण जो सामाजिक कुरीतियों का दंश झेल रहे हैं, सामाजिक विषमता का दंश झेल रहे हैं, उन लोगों ने लोगों में भाईचारा स्थापित करने के लिए, बंधुत्व स्थापित करने के लिए, समता स्थापित करने के लिए यहाँ के युवा वर्गों ने जो साहस किया है, जो परिचय दिया है बौद्ध विहार निर्माण का और जन जन में बुद्ध के संदेश को स्थापित करने का, पहुँचाने का, इसके लिए यह बहुत ही साहसिक कदम है। और हमारे बीच है हरिकिशोर जी, आपका क्या कहना है इसको? मैं आभार व्यक्त करता हूँ मिथिला दस्तक को। हम लोग को काफ़ी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे ग्राम में ये बौद्ध विहार बनेगी। बिहार में कई जगह इस टाइप से बना है, जो हम लोग को
सीखने का मौका मिल रहा है, तो हम लोग चाहेंगे कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर भी इसी बौद्ध का ही, बौद्ध भिक्षु का ही अपना प्रेरित किए थे, अपने पूरे जो है परिवारमय को वह बौद्धमय किए थे। तो हम लोग भी चाहेंगे कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आए और बौद्ध विहार में बौद्ध भिक्षु का ये अपना यह करें। सीतामढ़ी में ये जो बुद्धिज्म की बात है, नव बौद्ध बात तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ की SC ST OBC समाज में रीति रिवाज जो संस्कार है, जैसे शादी हो या जो कृति स्मरण संस्कार होता है, यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। युवाओं में खासा जोश है, खरोश है, हमको अब अमन चैन स्थापित करना है, भ्रातृत्व को स्थापित करना है। इसके लिए यहाँ के युवा वर्गों ने जो साहसिक कदम उठाया है, मिथिला दस्तक की तरफ से मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सीतामढ़ी से मिथिला दस्तक के लिए शिव शंकर पासवान की ग्राउंड रिपोर्ट।